तो कैसे कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई और मेरा ब्रदर पूरा लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है वो गड़बड़ कर नहीं सकती उन्होंने एक चम्मच निकाल के ऐसे डाला है और वो इतना डार्क हो जाएगा वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था तो उसके अंदर ही आई तो फिर अब मेरे मेरा तरह तो डार्क चले गई अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगी तो मैंने मैंने चेक वगैरह करा आ, कि ऐसा है ठीक है ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज वाला एरिया था ना वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा तो मैं दीदी को जो साफ करती है ना घर मैं उनको बोलने दीदी यहाँ से साफ करो कहते तो साफ तो है मैंने कहा नहीं साफ करो इस एरिया को बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है है ना हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते बट फिर भी मैंने हीलिंग uh, मतलब एक तरीके से कैंडल जला के आसान भाषा में बता रही हूँ भगवान के आगे कैंडल लगाई और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए देख देखो ऐसे ऐसे कर कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे तो मैंने वो कैंडल जलाई अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई जिसके अंदर ना एक भालू है भालू जैसा और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है ठीक है तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है ठीक है तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था